कोरोना वायरस के कहर का पूरी दुनिया सामना कर रही है। इसे खत्म करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जल्द ही इसका इलाज ढूंढ भी लिया जाएगा। ये कुदरत का नियम है, जब भी कोई समस्या जन्म लेती है साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। पूरा विश्व इसकी चपेट में आ गया। वे देश जो अपने अत्याधुनिक अस्पतालों और बेहतरीन सामाजिक सुरक्षा पर इतराते थे, कोरोना की पीड़ा से सबसे ज्यादा त्रस्त, लाचार एवं पस्त दिखाई दिए। उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। जिस तरह साल दर साल नए रोग सामने आ रहे हैं और महामारी का रूप ले रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महामारी आगे आने वाले सालों में भी देखने को मिलेगी। समस्या यह है कि हम हरेक नए संक्रामक रोग का इलाज एक स्वतंत्र संकट के रूप में करते हैं, बजाय इसके कि यह पहचाने कि इंसान कैसे बदल रहा है। जानवरों से इंसानों का संक्रमण होना कोई नई बात नहीं है। अगर गौर करें तो ज्यादातर संक्रमण वन्य जीवों से ही इंसानों में फैले हैं। कोरोना को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह चीन के वेट मार्केट से आया। चीन में कई जानवरों का इस्तेमाल खाने और दवाइयों के लिए किया जाता है। चमगादड़ को कोरोना का मूल स्रोत माना जा रहा है। दलील दी जा रही है कि चीन के वुहान शहर में जानवरों की मंडी से ये वायरस कुछ इंसानों में पहुंचा और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गया। करीब 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू से दुनिया की एक तिहाई आबादी प्रभावित हुई थी और 5 से 10 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। ये पंछियों और सुअरों से फैला था। 1980 में वन मानुषों से एचआईवी एड्स आया था। सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सबसे पहले चीन में 2002 में नजर आया और कुछ ही महीनों में सारी दुनिया में फैल गया। सार्स का वायरस बिल्ली जाति के एक जीव से इंसानों तक पहुंचा था। 2004 में पंछियों से होने वाला बर्ड फ्लू और उसके बाद 2009 में सूरों से होने वाला स्वाइन फ्लू फैला। पर्यावरण में हो रहा लगातार और तेज परिवर्तन संक्रमण की दर को बढ़ा रहा है। तेजी से बदलते पर्यावरण ने जानवरों के निवास को या तो छीन लिया या फिर बदल दिया। अभी तक दुनिया में केवल 10% रोगाणुओं को ही डॉक्यूमेंट किया गया है। दूसरे रोगाणुओं को पहचानने और उनके स्रोत की पहचान करने के लिए रिसर्च की आवश्यकता है। मनुष्य को पृथ्वी पर आए बहुत दिन नहीं हुए, कुछ लाख वर्ष ही हुए हैं। उसके पहले मनुष्य नहीं था लेकिन पशु पक्षी थे। पशुओं को भी आए हुए कोई बहुत समय नहीं हुआ। एक जमाना था कि पशु पक्षी भी नहीं थे लेकिन पेड़ पौधे थे। पौधों को भी आए कोई बहुत समय नहीं हुआ। एक समय था कि पौधे भी नहीं थे, पत्थर थे, पहाड़ थे, नदियां थी, सागर थे। मनुष्य धरती पर सबसे बाद में आया। उसे यह धरती ईश्वर के सृजन के साथ शेयर करनी थी, पर मनुष्य ने इसे अपनी मलकियत समझकर नष्ट करना शुरू कर दिया। आज पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ अपने अस्तित्व के लिए मनुष्य से पीड़ित है। इंसान ऐसे जी रहा है जैसे वो संसार का मालिक हो। उसने दो भ्रम पाल रखे हैं जिस कारण वो सारी बर्बादियां कर रहा है। पहला, पृथ्वी उसकी मलकियत है और दूसरा, वही पृथ्वी का निवासी है। वह भूल गया है कि पृथ्वी करोड़ों जीव जंतुओं का आश्रय भी है। पहले भ्रम के कारण इंसान धरती की सारी संपदा को नष्ट करने पर तुला है और दूसरे भ्रम के कारण वह ऐसे जी रहा है जैसे उसने कभी मरना ना हो। पृथ्वी हमारा घर नहीं बल्कि एक धर्मशाला है, जहां हमें सभी की सुख सुविधा का ध्यान रखकर रहना है। अगर ये ख्याल आ जाए तो पृथ्वी सुखमय हो जाए।
पर्यावरण से हर दर्जे की छेड़छाड़ के साथ साथ हम किस हद तक जीव जंतुओं को ख़त्म कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा हम इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य की आबादी तकरीबन 7.8 अरब है और हर साल लगभग 72 अरब पशु पक्षियों को खाने के लिए मार दिया जाता है। नेपाल में हर 5 साल में गाधी माई त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु पक्षियों की बलि दी जाती है। 2009 के त्यौहार में 5,00,000 पशुओं की बलि दी गई। पिछली बार यह त्यौहार 2014 को बनाया गया था। सन 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगा दी। ईश्वर ने हमें इंटेलिजेंस सृजनात्मक कामों में लगाने के लिए दी है, पर जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो सृष्टि कैसे पलटवार करती है, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक चूहा ऋषि के पास जाता है और कहता है कि बिल्ली उसे तंग करती है। ऋषि ने पूछा, क्या चाहते हो? चूहे ने कहा, मुझे बिल्ली बना दो। ऋषि ने कहा, तथास्तु, और चूहा बिल्ली बन गया। कुछ दिनों बाद बिल्ली दोबारा आई और कहा, अब कुत्ते मुझे तंग करते हैं। तो ऋषि ने उसे कुत्ता बना दिया। एक अरसे के बाद कुत्ता फिर ऋषि के पास आया तो ऋषि ने पूछा, अब क्या? कुत्ते ने कहा कि शेर मुझे मारकर खाने की तैयारी कर रहा है। तो अब तुम शेर बनना चाहते हो? कुत्ते ने कहा, हाँ। तथास्तु कहकर ऋषि ने उसे शेर बना दिया। वह चूहा शेर बनकर ऋषि के पास बैठ गया। उसे भूख लगी तो अपनी जीभ को होठों पर फेर कर सोचने लगा कि यह ऋषि मेरे लिए कितना स्वादिष्ट भोजन होगा। जब ऋषि ने देखा कि वह उसे ही खाना चाहता है तो उसे फिर से चूहा बना दिया। ईश्वर ने हमें इंटेलिजेंस दी सृष्टि को खुशहाल बनाने के लिए, ना कि उसकी रचना को बर्बाद करने के लिए। जब हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो वह हमारी औकात हमें बता देता है। पृथ्वी ने वनस्पति उपजाई, अन्न दिया और मानव सहित असंख्य जीव जंतुओं को पैदा किया। इस सृष्टि में हरेक जीव जंतु की एक अहम भूमिका है। प्रकृति ने हमें सिर्फ दिया ही है, हमसे कुछ लिया नहीं। उसने हमसे कभी प्रतिदान की अपेक्षा नहीं की। दूसरी तरफ हमने प्रकृति को कुछ देना तो दूर, उसे संरक्षित तक नहीं रखा। एक बात और समझने वाली है, पृथ्वी की सारी वनस्पति, सारे जीव जंतु इंसान के बगैर भली भांति फल फूल सकते हैं, बल्कि उनके फलने फूलने में इंसान बाधक है, पर उनके बगैर इंसान धरती पर नहीं जी सकता। 26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबल, आज के यूक्रेन में, दुनिया का सबसे भयंकर परमाणु हादसा हुआ। नागासाकी और हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम के रेडिएशन से 100 गुना ज़्यादा रेडिएशन इस हादसे की वजह से हुआ। तकरीबन 3.5 लाख लोगों को चेर्नोबल से निकाला गया और सारे इलाके को सील कर दिया गया। ऐसी उम्मीद थी कि सारा इलाका रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा और कोई जीव जंतु वनस्पति यहाँ न पनप पाएगी। पर जब 30 साल बाद अप्रैल 2016 को वैज्ञानिक वहाँ गए तो देखकर हैरान रह गए कि इस इलाके में जंगली घोड़ों, सुअरों और भेड़ियों की अच्छी खासी आबादी है। 200 तरह के पशु पक्षियों ने यहाँ अपने घोंसले बना रखे हैं, जिससे सारा इलाका चहचहा रहा है। बात स्पष्ट हुई, पर्यावरण और वन्य जीवों को परमाणु प्रदूषण से भी ज़्यादा खतरा मनुष्यों से है। लॉकडाउन में इंसानों को छोड़कर समस्त प्रकृति, पशु पक्षी एवं जीव जंतु अत्यंत प्रसन्न हुए। मानो पृथ्वी हीलिंग मोड में आ गई और जो नुकसान इंसान प्रकृति को पहुंचाता आया, उसकी भरपाई हुई। रोजाना सुबह शाम तरह तरह के पशु पक्षी और नीला आसमान देखने को मिला, जो लगभग बंद हो गया था। महावीर का पहला सिद्धांत है अहिंसा। आज अहिंसा व्रत के पालन किए जाने की सबसे बड़ी ज़रूरत है।
कोरोना जैसी महामारी एक हद तक प्रकृति और जानवरों से की गई हिंसा का ही परिणाम है। कोरोना हम सभी को जागृत करने के लिए आया है और समस्त मानव जाति को ये बताने के लिए आया है कि हे मानव, अगर अभी नहीं बदले तो फिर कभी सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। कोरोना एक इशारा है उस ईश्वर का, उस प्रकृति का, जिसने हमारा एवं इस जग का सृजन किया। प्रकृति से खिलवाड़ बहुत हो चुका, अब हमें चेत जाना चाहिए, वरना इंसान भी इस धरती से विलुप्त हो जाएंगे, जैसे कभी डायनासोर, मैमथ और मैस्टाडोन हुए थे।